हेलो गाइस, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी हम आए हैं दोस्त के यहाँ, दोस्त के बथान में। और बथान किसको बोलते हैं वो आप लोग को शायद पता होगा, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही डेंजरस जगह है। देखिए, ये देखिए, इधर से हम लोग आए, पैर इतना पिछल रहा है। अब जाते हैं, उससे मिलते हैं और यहाँ का चारों बगल का दृश्य भी आप लोग को दिखाते हैं। फिलहाल तो पहुँच जाए सबसे पहले, वही बहुत बड़ी बात है। I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore. हम लोग बथान में आके बैठ गए हैं और बथान वाले का कोई पता नहीं है। क्या गुलू, खाना खाने के लिए गया है। फिलहाल यहाँ बैठे हुए हैं उसके झोपड़ी में, छपड़ी में। और इधर नज़ारा देखिए, सामने यह है सामने का नज़ारा, ये बड़ा सा पोखर और मछली मराने वाला है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। मछली अभी निकाला जाएगा पोखर से, वो भी दिखाएंगे आप लोग को। ये देखिए, मछली मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है निकालने का। वो देख रहे हैं, नाव है और उसी से मछली निकाला जाएगा। वैसे मछली का कई वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन ये कुछ अलग होगा, दिखाते हैं आप लोग को। बहुत बड़ा पोखर है। और फिलहाल ये यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये देखिए, दाना फेंकने के बाद कैसे मछली आता है। ये पूरा मछली मार रहे हैं, तो ये मतलब शुरू नहीं किया है, थोड़ी देर में करेंगे। वैसे फिलहाल यही है यहाँ का भिंडा नज़ारा। और ये मछली, बहुत बड़े मछली का तालाब, बहुत बड़ा बड़ा मछली है इसमें। और रही बात, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे बथान में, झोपड़ी में, बथान बोलते हैं, गाय वाय बांधा जाता है इसलिए। वहाँ जा रहे हैं, दोस्त है, दोस्त के आगे में ही पोखरी है, बथान के आगे में है, समझिए तो उसी का है, क्योंकि उसके सामने है तो उसी का है। चलिए फिलहाल नज़ारा आप लोग को और भी दिखाएंगे, थोड़ा बैठ के मस्ती करते हैं। सब देख रहे हैं, साइकिल पे लाए हुए सब अपना अपना। और टांग उठा करके देखिए बैठे हुए हैं। अब देखिए, महाजाल को खींचा जा रहा है, पूरा पोखरी में नहीं फैलाया है, थोड़ी दूर में ही मछली निकालने की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। मछली आ चुका है, देखिए भाग भी रहा है। थोड़ा सा ही मछली निकला उसमें, थोड़ा बहुत, क्योंकि कम दूर में ही जाल फेंका था। अभी होगा तो अभी बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, घूमेंगे नाव पर। इस पोखर में कभी नहीं उतरे भी नहीं है कभी पानी में, तो मेरा दोस्त है, उसको नाव चलाने आता है। पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, एक साल पुराना वीडियो होगा, तो नाव चलाता है अच्छा। तो होगा, अगर बारिश नहीं होगा तो घूमेंगे। था गोलू,
ये भी कह रहा है जो भाई हमको भी ले लेना। नहीं नहीं हम नहीं घूम पाएंगे। नहीं ये कह रहा है जो हमको भी ले लेना, तो बोले ठीक है तुम्हारा घाव है, तो बोला है नहीं हम चलबे करेंगे, तो बोले कोई बात नहीं। बहुत डरता है पानी से, इसलिए ही बोल रहा है जो हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा ये सब कर दी तो बात है से गिर डर के। रोज की तरह फिर से बारिश शुरू हो गया है। जाना चाहते थे यहाँ से लेकिन अब तो बारिश शुरू हो गया, देखते हैं थोड़ी देर में छूटता है उसके बाद जाएंगे। अब बैठे बैठे पवन का तबीयत खराब हो गया। देखिए कमल ये बड़ा महंगा है और झूठा वाला तबीयत खराब हुआ है इसका, कोई समझिएगा सही वाला शो नहीं देख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। दोस्तों बारिश हो रही थी आज, इसलिए आप लोगों को ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि बारिश अभी काफी होती है कुछ दिनों से, तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जो आप लोग को दिखा पाया। और आज मैं लाइव भी आया था आप लोगों के बीच, तो क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पुर गया है आप लोगों की ही बदौलत और आप लोग के सपोर्ट और प्यार से, और आप लोग ऐसे ही मेरे फैमिली के मेंबर हैं, बने रहिए और जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और जो है सो लाइक भी करवाइए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो है लेकिन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे ब्लॉग लेकर। ठीक है दोस्तों।